एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मीडियन। इससे पहले हमने सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ी थी, यानी कि अगर हमारे पास कोई सेट ऑफ डेटा गिवन है तो उसमें से जो मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारी सेंट्रल टेंडेंसी। अब उसे हमें फाइंड आउट करने के लिए हमने तीन तरीके देखे थे, मीन, मोड, मीडियन, तो जिसमें से मीन हम पढ़ चुके हैं डिटेल में। अब है मीडियन। इट वॉज़ अ क्विक रिकैप ताकि आप लोग रिकॉल कर लो सब कुछ। नाउ वी हैव मीडियन। अब हमने मीडियन देखा था, मीडियन क्या थी? इट इज़ द मिडिल वैल्यू इधर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। जब भी हमारे पास कोई सेट ऑफ डेटा गिवन होगा तो हम उसकी मिडिल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो हो जाएगी हमारी मीडियन। ठीक है, अब हमारे पास दो कंडीशन अराइज हो सकती हैं। हमारा जो सेट ऑफ डेटा है या तो वो ऑड हो सकता है या फिर वो इवन हो सकता है। तो अब हम पहले एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर हमारा सेट ऑफ डेटा ऑड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हमारे पास 9 डिजिट्स हैं, मतलब 9 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो हमारे पास ये हमारी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गई जिसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि हमारा मीडियन क्या है। तो हमारा डेट नंबर हो गए एन, हो गया हमारा 9, यानी कि ये हमारा ऑड है। तो हमें ऐसे केस में याद रखना है हमारी जो मीडियन हो जाएगा वो हो जाएगा एन प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। ठीक है, यानी कि 10 अपॉन 2th टर्म, यानी कि 5th टर्म। ठीक है, अब हमारे 5th टर्म क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 61। तो ये हमारा हो गया मीडियन। लेकिन हमें ये याद रखना है कि हमें अपना मीडियन अपना फॉर्मूले में नंबर पुट करने से पहले और अपना मीडियन फाइंड आउट करने से पहले हमें अपने डेटा को या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, या तो छोटे से बड़ी या फिर बड़े से छोटे ऑर्डर में हमें उसको अरेंज करना है। अब हमारा यहाँ पर मीडियन हो गया 61। अब हम देखते हैं अगर हमारे पास इवन डिजिट्स हैं। अब अगर हम यहाँ पे एक नंबर 72 और लगा दें तो हमारा, अब हमारे कितने हो गए, हमारे पास एन हो गया, हमारा 10 हो गया। तो अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे मीडियन? तो हमारे यहाँ पे मीडियन हो जाएगा, ऐसे केस में हम याद रखेंगे कि जो हमारे दो मिडिल टर्म्स होते हैं हम उन दोनों का सम करते हैं और फिर उसे डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे 61 प्लस 62 डिवाइड बाई 2, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 61.9। ओके, तो ये 61.5, ये हो गया हमारा मीडियन फॉर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये है हमारा ऑड। आई होप ये बेसिक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं जो कि है रिगार्डिंग ना, हम जब हमारे पास इवन डेटा है तो ये एक फार्मास्यूटिकल प्रॉब्लम है। जब हम फार्मेसी के कोर्स में भी हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें लिखा होता है फार्मास्यूटिकल प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग दिस इन बायोस्टैटिस्टिक्स, तो उस तरह की एक प्रॉब्लम है जो बिल्कुल सेम मेथड होता है, बस क्वेश्चन देने का तरीका डिफरेंट होता है उनका। तो अब हम ये प्रॉब्लम देखते हैं। द डेटा ऑन पल्स रेट पर मिनट ऑफ 10 हिल इंडिविजुअल्स आर, तो हमें पता चल गया 10 इंडिविजुअल्स हैं, यानी कि हमारा एन हो गया 10। ठीक है, अब यह है हमारा डेटा कि ये पल्स रेट उनकी गिवन है हमारे पास। अब हमें इसका मीडियन निकालना है, इसकी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, उसकी सेंट्रल टेंडेंसी हमें निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हमने पहले भी पढ़ा था कि हम इसको क्या करेंगे, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। तो ये हमने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। ठीक है, तो फिर हमारे पास आया 60, 60, 63, 68, 74, 75, 76, 79, 81, 82। ये आ गया हमारा डेटा और 10 इक्वल्स टू 10। अब जब ये 10 है तो यानी कि हमें दिखा कि ये इवन है, तो इवन के लिए अब हम वो फॉर्मूला तो लगाएंगे नहीं, एंड तो अब हम इसको इवन के लिए देखेंगे कि मीडियन का क्या फॉर्मूला होगा। मैंने आपको बताया था कि जो दो मिडिल टर्म्स होंगे उसका सम डिवाइडेड बाय 2 हम करेंगे मीडियन फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन अब एग्जाम में डायरेक्ट तो आप लिखेंगे नहीं, तो इसका एक वे है, एक फॉर्मूला, काइंड ऑफ फॉर्मूला है, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा टर्म, तो ये आ जाएगा 5th टर्म एंड 6th टर्म डिवाइडेड बाय 2।
फिफ्थ टर्म अब हमारा क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये सिक्स टर्म आ गया, तो इन दोनों का सम 74 + 75 / 2। इसको जब हम डिवाइड करेंगे देन वी हैव 74.5, तो हमारा यहाँ पे मीडियन आ गया 74.5। तो ये है हमारी फार्मास्यूटिकल प्रॉब्लम रिगार्डिंग मीडियन। दे हाउ टू फाइंड मीडियन फॉर अ ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा मतलब कि हमारे पास जो डेटा है वो इस फॉर्म में गिवन है, रेंज वाइज गिवन है कि कितनी रेंज में कितनी फ्रिक्वेंसी आती है हमारी। ओके, तो सबसे पहले इसका एक फार्मूला होता है, मीडियन इज इक्वल टू एल एन बाई टू माइनस सी डिवाइड बाई एफ इंटू एच। अब आप सोचेंगे ये सी क्या है, एच क्या है, क्योंकि एन एफ से तो हम फेमिलियर है, एल क्या है। तो जो एल है वो हो जाएगा हमारा लोएस्ट वैल्यू ऑफ द मीडियन क्लास, एफ है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, एच है विड्थ ऑफ मीडियन क्लास और सी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास। तो सबसे पहले देखते हैं कि मीडियन क्लास क्या होती है। मीडियन क्लास हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमारे इस डेटा की मीडियन क्लास क्या है। तो सबसे पहले जो मीडियन क्लास होती है वो हमारी n बाई टू वैल्यू की नियरेस्ट वैल्यू होती है, तो हम n बाई टू फाइंड आउट करेंगे। n है यहाँ पे हमारा 590, तो n बाई टू हो गया हमारा 295। अब 295 के नियरेस्ट वैल्यू हमारी कौन सी है, 361 है, तो ये हो गई हमारी मीडियन क्लास, ये हो गई हमारी मीडियन क्लास, ठीक है, 207 और ये इसकी हो गई फ्रिक्वेंसी। अब हम इसमें देखेंगे कि हम अपनी वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करेंगे। मीडियन क्लास सबसे इंपॉर्टेंट थी, हमने मीडियन क्लास फाइंड आउट कर ली। अब दूसरा टर्म क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है वो हमारी जो फ्रिक्वेंसी होगी उसको हम नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी का जो सम आता जाएगा उसमें एडअप करते जाएंगे। जैसे इसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हो गई 37, तो इसकी 2.5 to 3.0 की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 37 + 117। इन दोनों के सम आ गया 164, तो नेक्स्ट वाले का क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 154 + 207। सिमिलरली नेक्स्ट इसका सम आ गया 361, तो नेक्स्ट वाले की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 361 + 115। तो इसी तरीके से हम सारी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज फाइंड आउट कर लेंगे। अब मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है ये, तो अब हम फॉर्मूला में देखते हैं हम कैसे वैल्यूज पुट करेंगे। तो जो हमारा L हो गया लोएस्ट लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास हमारी ये है, इसकी लोएस्ट लिमिट है 3.0, तो L हो गया हमारा 3.0। नेक्स्ट n बाई टू हम फाइंड आउट ऑलरेडी कर चुके हैं 295। नेक्स्ट कौन सी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, सी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास। इसमें हम लोग गलती कर सकते हैं कि हम वही मीडियन क्लास हम 361 ले लें, पर नहीं, प्रिसीडिंग मतलब उस मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से पिछली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमें लेनी है। तो यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा 154। नेक्स्ट वी हैव एच, यानी कि विड्थ ऑफ मीडियन क्लास, यानी कि इन वैल्यूज़ के बीच में कितना कितना डिफरेंस है। तो 0.5 का डिफरेंस है, तो हमारा एच हो गया 0.5, ये तो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है। एफ, नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कितनी है, 207, तो F हो गया हमारा 207। ये सारी वैल्यूज़ हमें मिल गई। अब हम देखते हैं इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आएगा, इसमें हम सॉल्व करते हैं। तो वी हैव L, L क्या है, मीडियन इज इक्वल टू L आ गया 3.0, n बाई टू 295, माइनस C की वैल्यू क्या आई थी हमारी 154, डिवाइड बाय F है हमारा 207, H है 0.5। हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3.0 + तो हमारा मीडियन आ गया 3.34। ये जो हो गई है हमारी, हो गई मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, हमारी सेंट्रल टेंडेंसी। आई होप आपको ये क्लियर होगा, बहुत सिंपल है और इसमें कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर द मीडियन टू फाइंड द ग्रुप डेटा, टू फाइंड मीडियन ऑफ अ ग्रुप डेटा।